उधर ब्लैक सी में यूक्रेन और रूस के बीच भयंकर जंग हुई, जिसका यूक्रेन की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेन के तेल के भंडार को निशाना बनाया और अपने सुखोई विमानों से उन पर हमला किया, जिसे यूक्रेन की सेना ने मार गिराया और अपने दावे को सही साबित करने के लिए इस भयंकर जंग का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें किसी फिल्म सीन की तरह ब्लैक सी में जबरदस्त युद्ध होता दिखा और जहाज पर सवार यूक्रेन के सैनिक ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए। इन सैनिकों के हथियारों का मुंह आसमान की ओर था। उन्होंने दावा किया कि उनके निशाने पर रूस का सुखोई विमान था, क्योंकि रूस ने अपने विमान के जरिए ब्लैक सी में यूक्रेन के तेल के ठिकानों पर हमला किया। बीचीव ना कतरा посеред відкритого моря। रूस और यूक्रेन के बीच ब्लैक सी वो इलाका है जिस पर दोनों देशों की नजर है, क्योंकि यहां से अनाज का निर्यात होता है। काला सागर में तेल और गैस का भी भंडार है और यूक्रेन ने आरोप लगाया कि उसी को हथियाने के लिए रूस का सुखोई 30 विमान उसके इलाके में घुसा, जिसे रूस की सेना ने मार गिराया। इस बीच यूक्रेन को जल्द ही अमेरिका के खतरनाक F-16 लड़ाकू विमान मिलने के दावे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भड़क गए। उन्होंने अमेरिका के इस कदम को आग में घी डालने वाला बता दिया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को जल्द ही अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान दिए जा सकते हैं। ज़ेलेंस्की लंबे वक्त से इनकी मांग करते आए हैं, क्योंकि F-16 अमेरिका के सबसे घातक विमानों में एक है, जो जंग का पासा पलटने की ताकत रखता है। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका खुद ये विमान यूक्रेन को नहीं देगा, बल्कि उसने नेटो के सदस्य देशों को यूक्रेन को F-16 की मदद देने की मंजूरी दे दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अमेरिका को F-16 ही नहीं बल्कि क्लस्टर बमों के लिए भी लताड़ लगा दी। पुतिन ने यूक्रेन को शक्तिशाली हथियार देने के अमेरिकी कदम को आग में घी डालने वाला बता दिया। हालांकि पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान मिलने के बाद जंग लंबी तो खिंच सकती है, लेकिन उसके नतीजे पर कोई असर नहीं होगा। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस से बढ़ते खतरे के बीच पोलैंड अपनी सीमाओं की किलेबंदी करने में जुट गया। दुश्मन के हवाई हमलों से निपटने के लिए पोलैंड को जल्द ही अमेरिका से खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे, क्योंकि जंग की आग में झुलस रहे यूक्रेन के इस पड़ोसी पर भी हमले का खतरा मंडराने लगा। जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन कई बार पोलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। दूसरी तरफ रूस का दोस्त और पड़ोसी बेलारूस भी पोलैंड को धमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी है कि पुतिन के खिलाफ बगावत के बाद बेलारूस पहुंचे वैगनर ग्रुप के लड़ाके किसी भी वक्त पोलैंड पर हमला कर सकते हैं, इसलिए पोलैंड तीनतरफा हमलों से निपटने की तैयारी में जुट गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पोलैंड को जल्द ही अमेरिका से खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई हथियार मिलने वाले हैं, जो उसे किसी भी हवाई हमले से निपटने में मदद करेंगे। इधर राजस्थान के कोटा में कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा और इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने सिर मुंडवाकर अपना विरोध जताया। बहुत बार बेईमान लोगों को बचाना सरकार की मजबूरी है और मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी मजबूरी है। उनके कई समर्थक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस बीच फ्लैट बिक्री घोटाले से जुड़े मामले में टीएमसी सांसद नुसरत जहां से ईडी की टीम ने पूछताछ की। नुसरत जहां से ये पूछताछ कोलकाता के ईडी दफ्तर में हुई, जहां ईडी के अधिकारियों ने फ्लैट का वादा करके कई करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के सिलसिले में नुसरत जहां से कई सवाल पूछे। इससे पहले ईडी ने नुसरत जहां को पेश होने के लिए समन्स भेजे थे।